गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रिंगल चैप्टर पढ़ेंगे क्लास टेंथ के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रिंगल में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो थ्योरम आता है थेस्पर में, और दूसरा जो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसमें वैल्यू निकालना होता है। आज सिर्फ हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो है कि ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि इन फिगर सपोज एक फिगर है और जिसमें आपको दो ट्रिंगल है, एक है डीओसी और एक डबल सी, दोनों ट्रिंगल आपको कॉन्वेंस इक्वल है। तो ये दोनों ट्रिंगल में सपोज डीओसी का वैल्यू दिया हुआ है एंड सीडीओ का वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइंड डीओबी और डीसीओ एंड टीओबी, ये आपको करने का फाइंड करना है। तो आपको बता दें कि इस ट्रिंगल में सबसे पहले ए बी और सी डी का जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे होंगे वो पैरेलल है, इक्वल है दोनों लाइन सेगमेंट। इसके बाद आपको बता दे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, तो आपको यहाँ पर बीओसी का जो वैल्यू है 125, इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि बीओसी का वैल्यू 125 है। तो इस एंगल को अगर हम इस एंगल से कंपेयर करते तो ये लाइन सेगमेंट 180 का आता है। तो बीओसी प्लस ये एंगल के लिए सीओडी या डीओसी कुछ भी लिख सकते हैं इस एंगल के लिए। तो दोनों जब हम प्लस किए तो इक्वल 180 रखे और फिर 120 वैल्यू रखकर डीओसी का वैल्यू जाकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा 55 है। अब देखिए हम इस ट्रिंगल को देखेंगे डीओसी, इन ट्रिंगल डीओसी में आपको तीन एंगल है, एक एंगल डीओसी है यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर है ओबीडी और एक एंगल यहाँ पर है सीडीओ। ये तीन एंगल में आपको एक एंगल यहाँ सीडीओ का वैल्यू दिया हुआ है और एक एंगल अभी डीओसी का वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड किया है। तो ये दो एंगल का वैल्यू जो है कि आप यहाँ पर 55 यहाँ से और 70 इसका वैल्यू यहाँ से रखकर और ओडीसी का वैल्यू आप 55 निकाल। अब एक और एंगल है जिस एंगल का नाम है ओएबी, ये आपको नहीं मालूम। तो ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल आपका है ओएबी, ये ओएबी जो एंगल है ये एंगल आपका कॉन्ग्रियंस इक्वल किसका होता है, तो कहने का मतलब ये एंगल आपको इस एंगल का कॉन्ग्रियंस होगा। तो ये एंगल कहने का मतलब है कि ओ जी डी अभी निकला है डी डी ओ सी, यहाँ पर निकला है आपको ओ सी डी, तो ओ सी डी आपका दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर ओ सी डी इक्वल 55 है तो एंगल ओ ए बी भी 55 होगा, मीन्स ये 55, ये 55 और ये 55, ये तीनों इक्वल वैल्यू है। सो इसलिए आपका बता दे कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंस है जो यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये आपको ट्रिंगल का एक वैल्यू बस क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन हमें लिया है कि किसी भी ट्रिंगल में दो ट्रिंगल है, एक एबीसी है डी एफ है, ये दो ट्रिंगल है, दोनों ट्रिंगल कॉन्ग्रुएंस है, इक्वल है, एरिया से देखिए या फिर साइड से देखिए या एंगल से देखिए, किसी से बेस पर आप देखिएगा तो दोनों ट्रिंगल इक्वल आएगा। तो ये इक्वल ट्रिंगल में, दोनों ट्रिंगल में आपको दोनों का एरिया मैंने लिया है, एरिया एबीसी का और एरिया डी एफ। तो एरिया एबीसी का एरिया डी एफ का, तो ए बी इक्वल सी डी बी सी इक्वल, मैंने इसके साइड ये स्क्वायर में इक्वल है, इसका इक्वल इससे इक्वल है और इसका इससे इक्वल है, तीनों साइड अपने में स्क्वायर में इक्वल है। इसको लिखने के बाद आपको बता दें कि बी सी स्क्वायर इफ अब जो है कि आपको निकालना है, तो इसमें आपको बता दें कि ये 64 आपके क्वेश्चन में ही है कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक 64 है और एक 120। तो 64 और 121 स्क्वायर में जब हम लिखेंगे तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा, तो दोनों का स्क्वायर निकल के 8/11 आ जाएगा, 8/11। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ ईएफ का वैल्यू जो है कि लास्ट में आपको दिया हुआ है 15.4 ईएफ का वैल्यू, तो यहाँ बीसी बाई ईएफ, तो यानी कि बीसी बाई ईएफ बाई 8/11, तो बीसी हटाकर ईएफ का वैल्यू मैंने रखा और प्लस मल्टीप्लाई किया, तो प्लस मल्टीप्लाई बीसी इक्वल 11 यहाँ बाई गया, डेसिमल हटाने के लिए मैंने 10 लिया, तो 11 10 जब 110 और 8 में 154 का इंटू करने के बाद 1232, तो फिर इसका डिवाइड करके मैंने 11.2 सेंटीमीटर इसका वैल्यू मैंने फाइंड किया। तो इस तरह से ये ट्रिंगल का जो है, अभी दो क्वेश्चन हम लोग जो है कि वैल्यू बेस्ड पढ़ा, अब फिर आगे जो है चार पांच क्वेश्चन और हम लोग अभी पढ़ेंगे।
नंबर दो तक हम लोग तीन पढ़ा था क्वेश्चन, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थ्री में आया कि एक इक्वेटर ट्रिंगल है एबीसी जिसके तीनों साइड इक्वल है, और उसमें कह रहा है कि सभी साइड अगर इक्वल है तो सभी 2a होगा, 2a दिया हुआ है, तो फाइंड इसका एल्टीट्यूड यानी कि हाइट फाइंड करना। तो सबसे पहले एक इक्वेटर ट्रिंगल हम बना लेंगे एबीसी, और इसमें हाइट के लिए एक हम जो है कि परपेंडिकुलर डालेंगे आपको बीसी पर, ठीक है ना। सपोज डैट जो है कि एडी जो है लंब है बीसी पर, एडी जो है क्लियर लिया गया बीसी पर, और इसमें जो है कि आपको बता दे कि एबी और एसी इक्वल है, तो अब बता दे कि पूरा बीडी अगर 2a है तो मान लीजिए ये हो या ये हो कोई एक साइड आपको चाहिए बेस के रूप में, तो बेस के रूप में आपको बीडी इक्वल इतना इक्वल 1/2 बीसी पूरे साइड, तो बीसी 2a है तो 2 से 2 कट गया तो ए निकला बीसी, और मान लीजिए कि बीडी अगर 2 है तो बीडी का सीडी भी ए यानी ये दोनों ए हो जाएगा। अब देखिए हम जो है कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आपको बता दे कि इसमें डी आपको इस साइड से भी 90 है और डी इस साइड से भी 90 है, तो ये डी 90 डिग्री हो गया, तो पाइथागोरस में क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो आपको बता दे कि आपको इसका जो है कि ए बी आपका ए बी जो हो जाएगा रूट अंडर 2a, ये 2a है ये भी 2a है, तो 2a स्क्वायर और इधर a है a स्क्वायर, तो आपको बता दे कि आपका जो ए बी है 3 रूट अंडर आएगा, तो a का स्क्वायर आपको बता दे कि a का स्क्वायर आप a निकाल दीजिएगा और 3 रूट में ही रह जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसका इरेशनल वैल्यू रूट 3 में रह जाएगा, यानी कि इसका जो एल्टीट्यूड साइड आया रूट 3 है आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक लेडर है, मान लीजिए कि ये आपका वाल है, वाल पर एक लेडर सिचुएटेड किया गया, तो ये आपका लेडर जो है ये 10 मीटर 10 मीटर इसका हाइपोटेनस हो गया, और आगे कह रहा है कि इसका विंडो जो है 8 मीटर अबव जो है अबव ग्राउंड, यहाँ से ग्राउंड से ये 8 मीटर अबव है 8 मीटर, अब इसका फाइंड जो करना है बेस ऑफ द वॉल, इसका बेस फाइंड करना है, तो बेस आपको नहीं मालूम है, चलिए ट्रिंगल एबीसी में आपको बी 90 डिग्री लेते हुए इसमें भी पाइथागोरस यूज करते हुए इसी सॉल्यूशन से आपको क्या हो जाएगा कि ए बी जो है कि ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बी सी। अब जो है कि बी सी जब इधर आएगा ये फाइंड करना आपको, तो बी सी इधर आएगा तो ए सी में जाकर ए बी माइनस हो जाएगा, ये माइनस फिर बी सी स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर गया 10 और 36 तो इसका 6 मीटर यानी कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर। चलिए हम लोग जो है कि अभी क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 तक पर है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो एनसीईआरटी का बुक का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9 था, और ठीक उसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर आपका उसका नेक्स्ट अगला 10 बन जाएगा 9 के अकॉर्डिंग टू 10। अब जो है कि क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन दोनों है तो उसी पैटर्न पर आप लोग सॉल्व ही कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर उसी का इसी बुक का 9 और 10 के और 11वां क्वेश्चन है जो इसमें मेरे वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन। तो आपको बता दे कि दो यहाँ पर एरोप्लेन फ्लाई कर रही है, एक नॉर्थ डायरेक्शन में एक वेस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो है कि ओ ए ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ओ बी ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो आपको बता दे कि ओ ए जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये सभी 1.5 घंटा में कितनी दूरी तय कर रही है, दोनों की दूरी 1.5 घंटा में निकालते हुए फिर टोटल आपको इस क्वेश्चन में उसकी दूरी फाइंड करना है। तो आपको बता दें कि पहले ओए जो है कि फर्स्ट एरोप्लेन फ्लाई नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम ओए 1000 किलोमीटर जो है कि आपको पर आवर फ्लो फ्लाई कर रही है, तो अब बता दें कि आपको इसको ओए की दूरी जो है निकालना होगा, तो ओए इक्वल टू 1000 × 1/2 तो ये हाफ इंटू करने के बाद ये 1500 किलोमीटर ये आपको आ गया ओए का डायरेक्शन। अब जो है कि ओए नॉर्थ निकल गया तो ओ बी, अब सेकेंड एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में इसमें आपको कह रहा है कि फ्रॉम ओए ये 1200 किलोमीटर आपको करने का पर आवर फ्लाई कर रहा है, तो आपको बता दे कि ओ बी इक्वल यानी इसका डायरेक्शन निकालने के लिए वही पैटर्न में 1.5 घंटा में यानी कि 1200 × 1/2 तो ये कट के आपको
1800 किलोमीटर आ गया, 1800 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन हो गया। अब दोनों का टोटल निकालने के लिए आप यूजिंग कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये ट्रायंगल आपको हो गया BOA, ये BOA जो है वो राइट एंगल है, और इसके बाद इसमें AB यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू OA और OB, बेस स्क्वायर और हाइट स्क्वायर। तो 1500 स्क्वायर और प्लस 1800 स्क्वायर, तो ये निकालने पर आपको 1500 का स्क्वायर का इतना वैल्यू आ गया और इसका स्क्वायर का 1800 का इतना वैल्यू आ गया। तो अब जो है कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये 549 पर 4 टाइम 0 है। अब इसका जो स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करेंगे तो 300 और इंटू रूट अंडर 61 आपको कहने का, तब ये जो है कि किलोमीटर आपको आ गया, ये टोटल डायरेक्शन हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही मेरा वीडियो आते रहेगा और आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो सर्कल रिलेटेड एरिया जो है कि मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग इसको फॉलो करते रहिए और बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई भी प्रकार का किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप सर्कल का भी चैप्टर जो है कि समझ सकते हैं। तो थैंक यू।